We are here at News Next Conference 2019, and right now we have with us the Managing Editor of Zee Business, Mr. Anil Singhvi. Sir, we would like to ask you about the conference. First of all, the thing you said at the conference, like fake news, jo hai bahut zyada badh raha hai. Ji. Sir, aap iske bare mein kya kehna chahenge? Dekhiye, ye fake news ko badhawa dena, ye hamara kaam hai. और रोकना भी हमारा काम है. अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? दो तरीके से. एक तो ये कि सोशल मीडिया पर शायद न्यूज़ चैनल्स का या फिर मीडिया वाले लोगों का कंट्रोल कम है, क्योंकि वो कहाँ से ओरिजिन होकर कहाँ फैलेगी हमें पता नहीं. लेकिन एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि न्यूज़ चैनल्स पर या फिर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसी मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ये फेक न्यूज़ ना फैलें. सिंपल चीज़ है. उसके लिए आपको एक चीज़ कंट्रोल में करनी है, और वो है कि थोड़ा मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है कि मैं टीआरपी के नंबर्स के पीछे ना भागूं, मैं सबसे पहले दिखाने के चक्कर में ना पड़ूं. दिक्कत वहीं है, मुझे सबसे पहले दिखाना है, मुझे नंबर्स भी चाहिए, तब मैं न्यूज़ की क्वालिटी के साथ और न्यूज़ कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूं. कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि मुझे पता है कि ये न्यूज़ सर्टिफाइड नहीं है, ये पक्की खबर है कि नहीं, एक बार चला दो बाद में देखेंगे. तो वो कहते ना कि बोलने के पहले सोचना जरूरी है, बोलने के बाद सोचने का फ़ायदा नहीं. ठीक उसी तरह से थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा संयम चाहिए कि फेक न्यूज़ है या नहीं. और स्पेशली फेक न्यूज़ के केस में मैं आपको ये बताऊं कि हमें पता चलता है, संकेत आते हैं, जो खबर का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से खबर आपके पास आई है, उससे अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग अपने रिपोर्टर्स को दे दें, थोड़ा सा एडिटर समझ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी न्यूज़ सही हो सकती है, कौन सी फेक हो सकती है. और जहाँ आपको थोड़ा भी डाउट है कि फेक न्यूज़ हो सकती है, वहाँ एक्स्ट्रा कॉशियस रहें, थोड़ा देख लें और उसके बाद चलाएं. तो ये हमारे हाथ में है कि फेक न्यूज़ ना आए, और आए तो ना चले. सर, आपको काफ़ी टाइम हो चुका है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, आप सर और आप सबसे ज़्यादा सर बिजनेस वर्ल्ड से ज़्यादा जुड़े हैं. सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो जब आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन करी थी मीडिया, तब से लेकर आज तक सर आपको क्या चेंज नोटिस हुआ? सर देखिए, चेंजेस बहुत हो रहे हैं, और मीडिया में न्यूज़ रखने का तरीका बदल रहा है. काफ़ी हद तक न्यूज़ से व्यूज़ की तरफ जा रहे हैं. न्यूज़ चैनल्स भी हैं, व्यूज़ चैनल्स भी हैं, और जर्नलिज्म करने के तरीके बदल रहे हैं. कुछ तरीके वक्त के साथ बदल रहे हैं, कुछ तरीके टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पुराने ज़माने के जो हम वो झोला लेकर चलने वाले पत्रकार होते थे, वो एक इमेज होती थी, वो बदल रही है. अब आपके सामने सूटेड बूटेड पत्रकार मिलेंगे, हाईटेक मिलेंगे. वक्त के साथ आपको बदलना है. खबरों को कवर करने का तरीका, उनको न्यूज़ पर ले जाने का तरीका बदल रहा है. टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ा चेंज है पिछले 15 साल में मेरे जर्नलिज्म के करियर में. चाहे वो न्यूज़ रखने का तरीका हो, न्यूज़ गैदर करने का तरीका हो, या फिर न्यूज़ को सर्टिफाई करने का वो तरीका हो, तो सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो टेक्नोलॉजी है. और अगले 15 साल के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज है वो टेक्नोलॉजी है, कि अगर कोई मीडिया हाउस, अगर कोई न्यूज़ चैनल, अगर कोई न्यूज़पेपर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा तो डूब जाएगा. कंपटीशन आपका किसी और न्यूज़ चैनल से और मीडिया हाउस से है या नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ज़रूर है. तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं रहेंगे तो आप नहीं टिक पाएंगे.